Hey guys, assalamu alaikum. So welcome back to my YouTube channel. I hope so आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए अपनी नाइट टू डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. थंबनेल से तो वैसे आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज की वीडियो किस चीज का पर है और हम लोगों ने कहाँ जाना है. आप लोग बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ. तो कहाँ जाना है और बाकी ये कि अभी यहाँ पे आप ही ने बनाई थी रात में बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई थी और आई थिंक अचार गोश्त कढ़ाई, अचार गोश्त था और ना बहुत मज़े का था. बस बिरयानी में थोड़ी सी स्पाइस तेज हो गया था लेकिन अचार गोश्त बहुत अच्छा लग रहा था ना. तो उसके बाद बस यहाँ पे मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने बताया था कि मामी का वो बेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करती हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ उनकी जो रेसिपीज हैं वो भी शेयर की हैं. बट ये कि वो मैंने खुद शूट नहीं की थी क्योंकि वो मेरे छोटू सा कज़न है मुरसलीन, उसने शूट की थी. तो बच्चों के लिहाज से अच्छी कर ली, बट ये कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम थी मामी की, मामी ने बनाई थी और उसने मुरसलीन ने जो है शूट की थी ना, तो बहुत अच्छी कर ली. फर्स्ट टाइम का जो होता है एक्सपीरियंस वो अच्छा होता है, बाकी ये कि वो आगे चल के थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव आ जाती हैं. तो बस यहाँ पे क्या उन्होंने वो बनाए थे, आई थिंक मिल्की बंस बनाए थे, मैक्रोनी बनाई थी. मैक्रोनी वाली थी वो तो मैंने खुद शूट की थी, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ही मम्मा पापा गए हुए हैं दादी के यहाँ चाचू के यहाँ, तो मैं रुकी हुई हूँ अपनी मामी के घर पे. तो बस वो छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे और मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे आप लोगों के लिए, ताकि देख लें कि कैसे मैक्रोनी. अगर आपको उसकी फुल रेसिपी चाहिए हो तो उसके लिए आपने कमेंट करना. बाकी ये कि छोटी सी थी तो समझ आ गई होगी वैसे तो आप लोगों, क्योंकि बहुत ईजी थी. जिनके लिए ये है कि प्याज वगैरह काटने में थोड़ा सा मसला होता है तो उनके लिए तो ये बेस्ट है. और रूटीन इसलिए आजकल थोड़ी लेट आ रही है, आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स हो रहे थे और बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, घर के काम बहुत ज़्यादा थे इस वजह से भी. और बाकी ये मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर रूटीन में डाल सकूं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे. और बस ये कि काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ है जो मैं रिवील करने वाली हूँ, इंशाल्लाह ताला जल्द रिवील कर दूंगी. तो आप लोग ये बताइए कि किस किस ने गेस्ट कर लिया है कि वो क्या सरप्राइज है, क्या रिवील करने वाली हूँ मैं और क्या चीज होने वाली है आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, क्या देखने को मिलेगा. तो एक्साइटमेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं रिवील करूँ जल्दी से, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना मुझे भी कि मैं भी रिवील करूँ, बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है. बट आप लोग ये बताइए कि किस किस ने गेस्ट कर लिया है कि क्या मैं रिवील करने वाली हूँ, क्या रिवील नहीं करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपने कॉमेंट करना होगा. तो इनशाला बस जल्दी से वो मैं रिवील कर दूंगी, बस कुछ ही देना. तो आपने बस मेरे चैनल से बिल्कुल शहद की मक्खी की तरह चिपक के रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो सरप्राइज है वो जल्दी से रिवील कर सकूं. और बाकी ये है कि बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरी हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा. तो बस बेल आइकन को प्रेस करना है. उसके बाद जो मुरसलीन का अभी आगे जिक्र चल रहा था, तो वो मामी घर पे आई थी हमारे, तो वो लोग भी आ गए थे बच्चे वगैरह स्कूल से ना डायरेक्टली. तो मुरसलीन का रिजल्ट था, मुरसलीन आए हैं माशाल्लाह, आई थिंक थर्ड आए हैं, यस थर्ड आए हैं. तो गिफ्ट वगैरह भी उनको मिला, वो बच्चों की जो होती है ना पाउच वगैरह डिबिया, उसके अंदर पेंसिल रेजर स्केल शार्पनर वगैरह जो भी होती है वो सारी मेरे का उसका सारा इम्पोर्टेंट काम मिल गया, क्योंकि बच्चों को यही होता है सारा पेंसिल रेजर शार्पनर वगैरह हमें मिल सके ना, तो वो मिल गया है उन्हें. और बाकी ये कि एक और कज़न है वो पास आए हैं और बाकी एक कज़न मेरी और है वो आई है, आई थिंक फोर्थ आई है ना वो, तो हाँ आई थिंक फोर्थ ही आई है. और मुसलीन का थर्ड आया, उनका कंफर्म है मुझे. और बस फिर जल्दी जल्दी से काम करें क्योंकि हमारे यहाँ आज थी दुर्द तंजीना और दुर्द तंजीना पढ़नी है, इस वजह से जल्दी जल्दी हम लोगों ने सारा काम करा. मिलाद शरीफ भी है इस वजह से ना, तो यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा किचन ऐसा हो रहा था बिल्कुल चिकना, क्योंकि काम वगैरह होता है तो इस वजह से, और पूरे घर में मैस मैस हुआ हुआ था बहुत ज़्यादा ना. आप ही ने बिरयानी बनाई थी वो भी बहुत अच्छी बनी थी और अचार गोश्त भी बहुत अच्छा सा बना हुआ था ना. तो उसके बाद बस यहाँ पे हम लोग, मैं आपको बहुत ज़्यादा आ रही है यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रही है कि इधर सेल लगी हुई है, लालू खेत में हैदरी पे सेल, मदनी मॉल में सेल, करीमाबाद में स्पेशली सेल, तो बहुत ज़्यादा ये आ रही है, मैं देख रही हूँ आजकल. तो मैंने कहा चलें देखते हैं कि जाकर विजिट करते हैं कि ये सच में ऐसा है भी या नहीं कि सेल्स होती हैं या नहीं होती हैं. तो
थंबनेल से तो बस आप लोगों को आइडिया हो ही चुका होगा कि आज जो है सेल्स के ऊपर है, वीडियो के सेल्स होती हैं या नहीं होते, तो उसके लिए वीडियो को आपने प्रॉपर देखनी होगी, ठीक है ना। और बस फिर हम लोग वहां जाके देखते हैं कि क्या सेल्स है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आ रही है लाइक सेल्स जो है सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए सेल है या फिर ऐसे रियल में होती भी है सेल्स, तो विजिट करके ही पता चलता है कि है भी या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइक लालू खेत गए थे सबसे पहले, या करीमाबाद गए थे ना, तो वहां पे सेल थी। ये जो है ना आई थिंक लालू खेत के एंट्रेंस में ये इंटर होते हैं बस जबी के, ये वहां पे ये 650 के थे ना, है ना, 650 के थे। और आई थिंक ये थ्री क्या, हाँ थ्री पीस थे ये, और काफी अच्छे थे थ्री पीस थे। और बाकी ये कि कपड़ा वगैरह इसका अच्छा था, ये नहीं कि थ्री पीस थे लाइक 650 के हैं तो ये नहीं मतलब अच्छे होंगे, कपड़ा अच्छा नहीं होगा, कपड़ा वगैरह इसका अच्छा था मैंने चेक किया था। और बाकी ये है कि मतलब इसके ऊपर जो है ना 650 के जो है ये थ्री पीस, इनके अंदर तो लाइक 12 महीने की जो सेल होती है वही होती है ना, ये नहीं है कि सिर्फ नवंबर या दिसंबर के महीने में होगी, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर सेल लगी होती है। और खुस्से वगैरह थे वो भी देखे थे हम लोगों ने, स्लीपर्स वगैरह आई थिंक 450 इस टाइप की या 300 इस टाइप की थी, 350 की, तो वो भी हम लोगों को देखी थी, वो भी काफी अच्छी थी। बस ये जो है ना 650 वाले वो ऐसे हैं कि नॉर्मली आप घर में पहन सकते हैं ना रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मंगनी का लाइक मेहंदी का सामान देख रहे थे, माइयों का जो भी होता है, और वो देखा हम लोगों ने माइयों का सामान वगैरह, उसके ऊपर भी सेल नहीं थे। अच्छा जो रियल बात है ना उस पर आ जाते हैं कि सेल्स होती हैं या नहीं, विजिट करके वैसे पता चलता है। आप लोगों ने अगर विजिट किया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की तरफ सेल्स है या नहीं है। अच्छा इधर जो होते हैं ना यहाँ पे क्या था, सेल्स थी लेकिन बहुत कम थी, क्योंकि नवम्बर होती है, नवम्बर में इतनी ज्यादा सेल्स नहीं होती, आई थिंक दिसंबर में ज्यादा थी, क्योंकि पूरे जो साल का होता है मटेरियल वो लाइक वो बच जाते हैं, एक एक पीस बचते हैं, दो दो पीस बचते हैं, तो वो फिर सेल्स में लगा देते हैं ना ताकि वो जल्दी से उनके हो सके। उसके बाद जो जनवरी होती है, जनवरी में फिर न्यू आता है, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है ना ये। तो उसके बाद बस हम लोग यहाँ मदनी मॉल वगैरह आई थिंक गए थे, तो यहाँ पे भी अच्छा लालू खेत में जो है ना वो टीन एजर्स के हिसाब के नहीं है कपड़े, और लाइक ऐसे जो हैवी हैवी जिनको चाहिए हो लाइक मदर्स वगैरह के उसके हिसाब के ना ये लाइक ऐसे नहीं है कि टीन एजर्स के हो या गर्ल्स के हिसाब के हो, गर्ल्स के हिसाब के बिल्कुल भी नहीं है लालू खेत में। और बाकी है कि अगर आपको लालू खेत में स्लीपर्स वगैरह अच्छे मिल जाएंगी, रेगुलर बेसिस के कपड़े अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन टीन एजर्स के जो चाहती है ना लाइक सिंपल्स हो कैप्सुल टाइप हो, तो उस टाइप के आपको मिलेंगे बदली मॉल में ना। और बिल्कुल फैंसी ब्रांडेड कपड़े जो होते हैं क्लॉथ्स वो आपको मिलेंगे मदनी मॉल में। करीमाबाद में आपको ज्वेलरी जो है वो बहुत औसम मिलेगी, ज्वेलरी वहां पे बहुत अच्छी होती है, और ज्वेलरी वहां की बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना करीमाबाद की। और बाकी ये है कि लाइक मदनी मॉल में आपको टीनेजर्स के हिसाब के लाइक फैंसी ब्रांडेड कपड़े जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे ना, तो वो भी काफी यूनिक से स्टाइल में काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिलेंगे। बाकी सेल्स का जो था वो सेल्स का मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर के महीने में हर जगह सेल होती है, किस वजह से होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो सारे एक एक पीस बचते हैं वो एक सेल में लगा देते हैं मोम, तो बस इसी वजह से सेल होती है। सो गाइज आई होप आप लोग अच्छी वीडियो अच्छी लगी, तो ऐसे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।